हैं आपकी वर्कशीट नंबर 173। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, मैथ्स की वर्कशीट है लिख लेंगे, क्लास लिख लेंगे, साथ में सेक्शुअल अपडेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यह लिखा है अनोखी पहली पार्ट 2। हमने आपसे पहले ही कहा था कि जब हमने इसकी आज से 2 दिन पहले इसकी पार्ट 1 पढ़ा था, तब हमने आपसे कहा था कि आप याद रखेंगे, इसका पार्ट 2 भी आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हमें दोबारा रिपीट नहीं किए जाएंगे, तो वो हमें याद रखने हैं। चलिए पढ़ते देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स इसमें रिपीट किए गए हैं और जो ऐसे हैं जो नहीं रिपीट किए गए लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको खुद बता दूंगी। चलिए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पिछले इकाई पत्रक में पढ़ा था कि सविता कुछ अलग प्रकार की पहेलियां हल कर रही थी। ठीक है, याद आया कुछ कुछ आपको कि सविता बैठी हुई कुछ पहेलियां हल कर रही थी जिसमें उसकी अपनी मम्मी की मदद ली थी। देखिए इसने लिखा, और अपने भी आपने भी उसकी मदद की थी, हमने भी उसकी मदद करी थी। जैसे जैसे सविता पहेलियों की पुस्तक में आगे बढ़ने लगी, पहेलियां और दिलचस्प होती गई। ठीक है, जैसे जैसे सविता ने पुस्तक को हल करना शुरू करा तो वही पेज टर्न करेगी, आगे बढ़ी और आगे बढ़ी, तो जो पहेलियां थी वो थोड़ी मुश्किल और दिलचस्प हो गई। पहेलियों को हल करने के लिए उसने फिर से अपनी मम्मी की मदद ली। उन्होंने बताया कि आधे से आधे वर्ग को एक गिना जाएगा, यानी आधे से जो अधिक है उस वर्ग को हम एक गिनेंगे। ठीक है, उस वर्ग को ना गिना जाए जो आधे से कम है, और जो दो आधे आधे वर्गों को भी एक गिना जाएगा, यानी अगर दो आधे आधे वर्ग है तो उनको हम एक गिनेंगे। सविता ने सेब के चित्र में लगभग 13 वर्ग गिने। मम्मी ने सविता को ये भी बताया कि चित्र में आए वर्गों की संख्या से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस चित्र ने कितनी जगह घेरी है। तो मम्मी ने ये भी बताया कि देखो अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि यह चित्र ने कितनी जगह ली। अब देखिए ये सब आधे से ज़्यादा है, तो 1, 2, 3 हो गए, 4, 5, 6, ठीक 7, 8, 9, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए ये भी आधे से ज़्यादा, इसे 10 कर लेंगे, ये आधे से ज़्यादा है 11 कर लेंगे, ये आधे से ज़्यादा है 12 कर लेंगे, ये आधे से ज़्यादा है 13 कर लेंगे। अब अगर इसके बाद देखें तो ये बाकी सारे आधे से कम है, इसलिए हम इन्हें नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया है। वैसे उसूल के तौर पे हमने इसे काउंट करा है तो हमें इसे भी काउंट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये दोनों एग्जैक्टली बराबर बराबर है इसलिए हम इन दोनों को मिला के एक मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यह लिखा है अब वे ऐसे सवालों को हल करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गई, यानी उसे अब और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है नीचे इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, आइए उसकी मदद करें। तो चलिए इसी तरह के और सवाल दिए गए हैं, इनको हल करने में हम लोग सविता की मदद करते हैं। तो देखिए यहाँ आपको साथ के साथ आंसर भी दे रहा है। यहाँ लिखा है सूरज, नाशपाती, फूल, बादल और पत्ता, वर्गों की संख्या। ठीक है, तो इसको भी हमें करना है, तो चलिए पहले इसको यहाँ से फिल करते चलते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए यहाँ आप गिन लेते हैं, यहाँ देखिए ये आधे से ज़्यादा है वर्ल, ये भी आधे से ज़्यादा है 2, ये वाला भी आधे से ज़्यादा है 3, ये भी आधे से ज़्यादा है 4, ये वाला आधे से ज़्यादा है 5, ठीक है ये वाला भी है 6, ये वाला भी है 7, ये भी है 8, ये भी है 9 और ये भी है 10, फिर 11, 12, 13, 14, ठीक है 14 तक हमारे, तो ये सारे हो गए। इसके बाद अगर आप देखें तो ये सारे आपके आधे आधे हैं, इसे हम नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे सूरज में 14 है। ठीक है, लिख लेंगे। नाशपाती को गिनते तो देखिए 1, 2, 3, ठीक उसके बाद आपका आता है 4, 5, 6, 7, ठीक तो हम मान लेंगे कि यहाँ हमारे पास 7 है, क्योंकि इसके अलावा देखिए ये सब बाकी जो है आपके छोटे हैं, तो हम नाशपाती में 7 मान लेंगे। अब बात करते हैं फूल में, तो आप देख सकते हैं 1, उसके बाद लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर ये वाला मान लेंगे 4, और ये आपका हो जाएगा 5, ये 6, ये 7, उसके बाद ये वाला 8, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसमें कितने हैं 14। उसके बाद अब बादल को देख लेते हैं, तो देखिए बादल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है 17 तक तो पूरे पूरे आ गए। अब देखिए बात करें 17 के बाद हम फिर ये वाला ले लेंगे 18, ये ले लेंगे 19, और उसके बाद ये ले लेंगे 20, और ये वाला भी 21, ठीक है तो इस तरह से हम मान के चलते हैं हमारे बादल में 21 आ रहे हैं। इसके बाद पत्तों को देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक 6, इसके बाद इसे ले लेंगे 7, इसे ले लेंगे 8, ठीक है तो हम मान लेंगे कि इसमें हमारे 8 है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं, अब ऊपर आते हैं। ठीक है, अब यह हम दोबारा से नंबर लिख लेंगे जो जो हमने पढ़े थे, कि ये 14 है, ये 7 है, ये फिर 14 है, ये 21 है और ये 8 है। ठीक है, हमने सारे नंबरों को दोबारा से लिख दिया है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा है अब इससे संबंधित प्रश्न, कुछ और प्रश्न है उनको हल कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ लिखा है कौन से चित्र ने सबसे अधिक जगह घेरी है, तो कौन से चित्र ने घेरी है, आप लिखेंगे बादल। ठीक, क्योंकि सबसे बड़ा यही है, इसमें 21 है। कौन से चित्र ने सबसे कम जगह घेरी है, तो सबसे कम किसने घेरी है जल्दी से बताइए, ये आपका जो है इससे सबसे कम जगह घेरी है। ठीक है, तो आप इस पे लिखेंगे पत्ता, प अधता पूरता अकरंडा पत्ता। ठीक, सो लिखा नाशपाती और फूल में से कौन सा चित्र बड़ा है, तो बताइए नाशपाती और फूल में से कौन सा बड़ा है। तो देखिए आपको पता है नाशपाती 7 है और जबकि फूल 14 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, तो फूल लिख लेंगे कि फूल बड़ा है। नाशपाती और फूल में से कौन सा चित्र बड़ा है, तो फूल का चित्र बड़ा है लिख लेंगे। चलिए, तो इस तरह से वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आपसे कहा जाता है 137 138 अपनी बुक में से कर लेंगे आप लोग। चलिए, तो आज की वीडियो को खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।